इंडिया डांस वीक डांस फॉर अ कॉज का हमारा सातवां सीजन है और इस साल हमने दो चैरिटी के साथ इन्वॉल्वमेंट किया है. एक है आवा कायम जो रिसाइकल फ्लावर्स में काम करते हैं और दूसरा है पॉट विच इज पेरेंट्स ऑफ डाउन सिंड्रोम. उनके साथ में जुड़े हैं हम लोग और सारे दो दिन का जो फेस्टिवल होगा बहुत सारे डांस फॉर्म्स आप देखेंगे. इंटरनेशनल डांस फॉर्म्स तो होंगे ही. मेरा एक घंटे का शो है ऑन वाई रोज रेड और क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, फोक डांसेस हैं, हिप हॉप है, कंटेम्प्रेरी है, बॉलीवुड है, हर तरह के डांस फॉर्म की बात करते हैं आपको आज देखने को मिलेगा इस फेस्टिवल में. और कल हमारा ऑल इंडिया डांस कॉम्पिटिशन है जिसके लिए मेरे काफ़ी सारे सेलिब्रिटी फ्रेंड्स जो हैं वो जजिंग करने आने वाले हैं और तुषार कपूर आएंगे एज द ग्रैंड चीफ गेस्ट टू गिव अवे द ग्रैंड प्राइज एज वेल. तो बहुत डांस सेलिब्रेशन होने वाला है एंड ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम. एब्सोल्युटली डांस फॉर अ कॉज पहले सीजन से लेकर के आज ये सेवंथ सीजन तक का इट्स ऑलवेज बीन डांस फॉर अ कॉज. डांस जो है वो लोगों को जोड़ता है, बांधता है और जागरूक करता है अपने आप को. थ्रू डांस फॉर अ कॉज वही हम दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं. बहुत एक्साइटिंग है देखने के लिए शो. इतने सालों से चलते आ रहे हैं एंड दिस ईयर जैसे उन्होंने बोला कि दे हैव यू नो पीरियड विद दिस स्पेशली डाउन सिंड्रोम एंड यू नो ये जो हमने एफिलिएट किया है वो विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट पर्सनली क्योंकि वी हैड अ फैमिली मेंबर हु हैड डाउन सिंड्रोम अ फ्यू इयर्स बैक वी लॉस्ट. इट्स अ वेरी क्लोज थिंग टू आवर हार्ट मी एंड मॉम्स यू नो एंड ऑब्वियसली टू कम हियर एंड सपोर्ट हिम एंड टू सपोर्ट सच अ ग्रेट कॉज एंड साथ साथ में टू बी एबल टू वॉच सच अमेजिंग परफॉर्मेंसेस लवली. मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुशी है यहाँ आके. मैं खुश हूँ क्योंकि एक तो डांस जो मुझे बहुत पसंद है और संदीप इतने अच्छे कॉज के लिए जो कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है. मैं इनको थैंक यू बोलना चाहूँगी अपनी तरफ से और मेरे जैसे बहुत से लोग जो सिर्फ सोचते हैं कि हम कुछ अच्छा करेंगे लेकिन कभी कर नहीं पाते हैं. किसी ना किसी रीज़न से, कोई ना कोई वजह से हम लोग वो चीज़ कर ही नहीं पाते जो हम सोचते हैं. आज वो एटलीस्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है. तो मैं उसका पार्ट बन के यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम रियली हैप्पी, बहुत ज़्यादा मतलब मैं खुश हूँ. मुझे बहुत खुशी है. मैंने मैम को मैसेज किया कि मैं चाहता हूँ आप मेरे शो पे चीफ गेस्ट बन के आएँ और आज ओपनिंग सेरेमनी है उसकी शुरुआत करें अपने प्रेजेंस के साथ. और एक कॉल में, एक मैसेज में मुझे कहा मैं आऊँगी. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर एग्रीइंग टू कम. Or, I should say thank you to you. Thank you. Or for making me part of this beautiful event. Thank you, ma'am. हाँ, मुझे बहुत पसंद है वो गाना और लोगों को पसंद आया. I'm happy. मतलब मुझे वो गाना थोड़ा सा अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा. And I just wanted कि मैं वो गाना करूँ. मैं चाहती थी वो गाना करूँ मैं, तो इसलिए मैंने किया. लोगों को पसंद आया तो अच्छा है. It's good. Salute to this man, Sandeep Jain का नाम है. The way does all this is out of the box. There's a lot to learn under you. The way he is conducting these shows. The best part of today is, I was just told, एक घंटे का एक्ट कर रहे हैं जो उन्होंने हर जगह परफॉर्म किया है इस वतन को छोड़ के. This is what he is doing it for the first time ever. You will see wonderful things happening in these next 2 days. And the causes what he is associated to is something really touching to the core. जैसे अभी भाई साहब ने कहा, see these things touch your heart and the way you take it forward, Sandeep ji, I'm telling you, you've got miles to go ahead. Thank you. मैं यही बोलूँगा कि हम कोरियोग्राफर्स को कुछ गाने जो होते हैं बताए जाते हैं कि आप इनको देखिए, आप सीखेंगे किस तरह से कोरियोग्राफी काम होता है. और उसमें से हमने एक गाना सीखा था, मैम का गाना था वो, सुन साहिबा सुन, किस तरह से कोरियोग्राफी होती है.
जिससे डांसर आते जाते हैं, तो वो सब जो हम कोरियोग्राफर को सीखने का मौका मिलता है वो आपके गानों से मिला है मैम. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सॉन्ग्स टू लर्न फ्रॉम, बिकॉज हम कोरियोग्राफी करना आसान काम नहीं है फिल्मों की, उसमें वेरी डिफिकल्ट जॉब. आर्टिस्ट को सिखाना पड़ता ही है, साथ साथ में डांसर को भी सिखाना पड़ता है, और कुछ कुछ ऐसे गाने होते हैं दे बिकम लेसन्स फॉर अस. तो आपका ही गाना हमारा लेसन बना था मैम. डांसिंग इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली. उसके लिए क्या बोलना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, व्हाट यू कॉल दैट वर्ड, जज्बा, पैशन. पैशन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है. हम लोग देखते हैं और एकदम से बोल देते हैं किसी को भी देख के अच्छा है या अच्छा नहीं है. इट्स वेरी इजी, जब करने जाएंगे ना तो बहुत मुश्किल होता है. तो जो जो करता है, जो सालों सालों इसके ऊपर मेहनत करता है, सिर्फ वो बता सकता है कि उसमें मतलब कितना जान डालनी पड़ती है.